हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू माइट बी वंडरिंग अभी क्या लेके आई है नया, राइट? अभी क्या नया लेके आई है? दिस इज़ नॉट इवन लुकिंग लाइक अ ब्यूटी प्रोडक्ट। यस, दिस इज़ नॉट अ ब्यूटी प्रोडक्ट, बट दिस इज़ अ लिंट। आई ऑलवेज फंबल। दिस इज़ अ लिंट रोलर। दिस इज़ यूज ऑन योर क्लोथ्स टू क्लीन ऑफ द थिंग्स। सो दिस इज़ यूज, आप इसके ऊपर देख सकते हो कितना गंदा गंदगी चिटका हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओके, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है विद द सनलाइट। ओके, कमिंग बैक टू द लिंट रोलर, यू कैन यूज़ दिस। अभी देखो मॉनसून सीजन, अभी देखो मॉनसून सीजन है एंड योर क्लोथ्स डोंट ड्राई प्रॉपरली। एंड कभी कभी अगर आपकी घर पे कोई भी ऐसा टिश्यू यूज़ करता है एंड दे डोंट टेक आउट द टिश्यू आउट ऑफ देयर क्लोथ्स एंड ऐसे ही वो वॉशिंग मशीन में जाता है तो सबके क्लोथ्स पे वो चिकी 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 स्टिक होता ही है टिश्यू पेपर। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक इट आउट। ऑल्सो अगर आपके घर पे पेट्स है लाइक कैट्स, डॉग्स, रैबिट, रैट, जो भी, एंड इफ दे शेड हेयर एंड आपके शर्ट पे लगा हुआ रहता है, यू कैन यूज़ दिस टू टेक इट आउट। मैंने अभी वीडियो लिया था कि आई हैड अ स्वेटर एंड आई हैड अ टी शर्ट, उसके ऊपर पूरा सा छोटा छोटा वाइट 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 लगा था। सो उसके लिए भी मैंने ये आई नॉर्मली यूज़ दिस एंड ये मैंने अमेजोन से लिया था। This was 60 sheets and this was for 369 rupees. अभी Amazon पर sale है and if you have cats, dogs, ऐसा कुछ भी problem तो नहीं बोलूँगी, that's not a problem, I'm sorry. Hair या कुछ भी ऐसा गंदा stick होता है आपकी t-shirt पर and you try to look presentable and if you like to look neat all the time, आप ये use कर सकते हो before heading out of the house. अभी I'll insert a video on how to use this. You can watch it. क्यों ये सब चीजें नहीं पता? क्योंकि एक्चुअली में जो मतलब जिस साइड मोहित जा रहा था, जहाँ मामा जी का घर था, उस इलाके में हर कोई उस औरत को जानता था, हर किसी को पता था ये औरत कौन है, और उस औरत की वजह से कोई भी उसके आसपास नहीं बैठता था। उसके बगल में तो छोड़ दो, उसके आगे वाली सीट में, उसके पीछे वाली सीट में कोई नहीं बैठता रहना चाहता, कोई इससे बातें नहीं करना चाहता, कोई भी इसका दोस्त नहीं बनना चाहता और ना ही कोई इससे दुश्मनी करना चाहता, इसलिए हर कोई सिर्फ इसे इग्नोर करता है। इसके कई ऐसे किस्से हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है, कई ऐसे डरावने किस्से, बट उन किस्सों में भी तीन ऐसे किस्से थे जिनकी वजह से कोई भी इस औरत से पंगा नहीं लेता था। और अब मोहित इन लोगों से पूछता है कि आखिर क्या थे ऐसे किस्से, मुझे भी जानना है, मुझे आप बताइए एक बार। तो फिर जो वो प्रेगनेंट लेडी होती है वो बताती है, जो पहला किस्सा था वो था हमारे गाँव का, तो इनके जो यही जो मोहित का गाँव था, जहाँ मतलब मोहित का गाँव जैसे जहाँ मोहित के मामा जी रहते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, पहाड़ी है और पहाड़ में ऐसे घर बने, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहाड़ में एक घर ऐसा दूसरा उसी के नीचे होता है, हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके मॉम मतलब बूढ़ी माँ और दो बच्चे, तो ये पांच लोग इस घर में रहा करते थे। ये एक खुशहाल परिवार था, बच्चे छोटे छोटे से थे, माँ की काफ़ी होती थी, कुछ शैतान की मूर्ति मतलब अजीब सी थी जिसे शैतान की मूर्ति कह सकते हैं, कुछ अजीब सा चेहरा बना हुआ था और उसमें ऐसे थोड़े से खून खून सा लगा हुआ था, तो हम लोग तो उसे शैतान की मूर्ति ही कहते हैं। तो वो जो शैतान की मूर्ति थी वो ऐसे खेत में रख दी गई थी, रूपा के कभी तो खेत के अंदर वो गड़ी हुई मिलती थी शैतान की मूर्ति, कभी ऐसे ऊपर रखी हुई मिलती थी, महीने में एक दो बार तो मिल ही जाती थी। शुरू शुरू में इनको समझ आ गया था, इनको ऐसे बड़ा टाइम नहीं लगा जानने में कि आखिर ये किसने किया, इन्हें पता था कि हमारे ऊपर जो खेत है वो स्टायन का है तो उसी ने ही किया होगा, और वही करती थी, वही ऐसी हरकतें करती थी। तो पहले तो इन्होंने इग्नोर करा कि यार टाइम से कौन पंगा ले, छोड़ दो। अब रूपा क्या करती थी, नॉर्मली वो शैतान की मूर्ति ऐसे फेंक दी। ऑल्सो गाइस, यू गेट दिस, ये ऐसा रोल होता है एंड दिस इज अ प्लास्टिक हैंडल। आई बॉट दिस अ ईयर अगो। आई हैड अ पेट रैबिट एंड माय सिस्टर हैड अ पेट कैट, सो उसके लिए आई बॉट इट बिकॉज व्हेनेवर आई टू गो आउट सब बाल यूज टू स्टिक ऑन माई क्लोथ्स एंड दैट वॉज नॉट प्रिटी, सो इसीलिए दिस इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट। आई होप दिस हेल्प्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोडक्ट और एनी थिंग और इफ यू हैव एनी अमेजॉन फाइंड्स विच आई शुड ट्राई, लेट मी नो। बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।